सो वेलकम बैक अगेन टू द चैनल ई ट्रेवल फील्स में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों इस वक्त हम पोर्ट ब्लेयर में केविंसिन में पहुंचे हैं और आइए आपको अंदर अपना रूम दिखा देता हूं। पोर्ट ब्लेयर से जैसे हम उतरे तो दोस्तों सीधा डायरेक्ट ऑटो पकड़ के हम अपने रूम पे आए और बीच रास्ते में हमने एक स्कूटी भी हायर की है, उसे भी दिखाएंगे। तो अब हम दोस्तों यहाँ से रेडी हो चुके हैं, तो अब आगे देखते हैं हम बाहर निकल के सबसे फर्स्ट कहाँ निकलेंगे। Turn right to stay on Great Andaman Trunk Road. तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के बाद अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ चौथम सॉमिल। मौसम भी ख़राब है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, फिर भी हम लोग निकल पड़े हैं। चौथम सॉमिल अंडमान की सॉमिल तो है ही, साथ ही एक टूरिस्ट प्लेस भी है। आपको लगेगा कि सॉमिल में देखने को क्या हो सकता है, पर यहीं पर कोई भी चूक सकता है। चौथम सॉमिल एक आइलैंड पे है दोस्तों, जिसे 100 मीटर लंबे ब्रिज से जुड़ा हुआ है और आप सामने देख सकते हैं कि ब्रिज स्टार्ट हो रहा है। यही इसी ब्रिज की मैं बात कर रहा था। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे चौथम सॉमिल है और अभी हम जो सबसे पहले यहाँ आए देखने के लिए, अभी मैं आपको अंदर लेके चलूँगा इसके। और ये बहुत ही पुरानी सॉमिल है जो कि ब्रिटिश टाइम के से चली आ रही है। चौथम सॉमिल एशिया की सबसे बड़ी और पुरानी सॉमिल है। 1883 में ब्रिटिश ने यहाँ पर पुरानी मशीनों के साथ इस सॉमिल को स्टार्ट किया था और ये फॉरेस्ट म्यूजियम है चैथम का। तो दोस्तों आइए अंदर चलेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापानियों ने यहाँ पर बमबारी की, जिससे सॉमिल को काफ़ी नुकसान हुआ था। मशीनों के साथ साथ वर्कर्स भी मारे गए और जापानियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। लगभग 4 साल तक यहाँ पर रहे और 4 साल के बाद उनके जाने के बाद ब्रिटिशर्स आ गए और फिर ये सॉमिल दोबारा स्टार्ट हो पाई। दोस्तों मैं आपको आगे जापानीज बंकर बाहर से दिखा देता हूँ।
चाथम 100 मील के अंदर ही घूम रहे हैं दोनों, और हल्का फुल्का बारिश हो रही है यहाँ पे, पूरा शिमला बना हुआ है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आज 17 सितंबर है, आज ही के दिन विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे 100 मील भी आज बंद रहेगी। आइए फिर भी आपको अंदर ले जाके दिखाने का कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अपने इस व्लॉग का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। यहाँ से निकलने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो सलवर झील जाने का है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग ऑफ द अंडमान सीरीज। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं।